अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? वालेकुम वालेकुम सलाम मैम, जी आप? अस्सलाम मैम। जिन बच्चों का क्लैश था इस टाइम का, वो रिजॉल्व हो गया? मैम वो दूसरे सर ने क्लास ही नहीं ली ना, उनका लिंक आया अभी तक। वैसे उनके 12 बजे थे, बट मैंने जो उन्हें फिफ्थ भेजे। स्लॉट है ना, जो फिफ्थ स्लॉट है आपका, वो 11 o'clock है। जो मेरा स्लॉट है ये 6 स्लॉट है, ठीक है? ये फ्राइडेज को 12 o'clock पे है, अदरवाइज ट्यूसडे को ये 1 o'clock पे है, ठीक है? तो जो भी टीचर है, क्लैश आना नहीं चाहिए, क्योंकि रमजान की टाइमिंग के जो स्लॉट्स हैं तो वो सारे डिफरेंट है, उसमें कोई क्लैश नहीं आ रहा किसी टीचर का, ठीक है? किसी स्लॉट का। तो जिस टीचर की टाइमिंग जिस स्लॉट में है, उन्हें कहें कि फ्राइडे है या जो बाकी डेज भी है रमजान के, अकॉर्डिंगली लें, ठीक है? मैंने उन्हें मेल किए थे, उनका रिप्लाई ठीक मिला। है। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम उसमें? मैम बच्चों की लेक्चर क्लास अपलोड ही करो। नहीं है LMS पे। हाँ हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग कर दी थी। बेटा LMS जो है, ये न्यू LMS है ना, इसको मैं थोड़ा बिजी हूँ, कोर्सेज मुझे और भी मिले हुए हैं, तो मैं एक दो दिन में ना कर दूंगी इंशाल्लाह। तो मैम आप हमें साथ साथ मेल कर दिया करें लेक्चर, जैसा नहीं, मैं लेक्चर पहले करती मेल थी। हाँ मेल भी कर दूंगी, लेकिन इस दफ़ा जो है ना, बिल्कुल LMS हमने ओरिएंटेड जो है अपना सेमेस्टर रखा है। लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी आपके अनाउंसमेंट है, सारा कुछ LMS पे ही करना है, क्योंकि LMS अपग्रेड भी हुआ है और LMS की यूजेज को हमने फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द फैकल्टी हमने इंक्रीज करना है। इसीलिए लेक्चर्स मेल नहीं करूँगी मैं, इस दफ़ा लेक्चर्स आपके सारे LMS पे ही होंगे। मैं अभी पुट कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम, ठीक। अभी कर दूंगी, नहीं तो मैं इंशाल्लाह मंडे से पहले, आपका ट्यूजडे को चलो नेक्स्ट लेक्चर है ना, उससे पहले मैं आपके ये फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी। ओके मैम, ठीक। चलें फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोकोलेटर यूनिट देखा था। हाइड्रोकोलेटर फैक्ट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोकोलेटर में सुपरफिशियल हीटिंग की जाती है, ठीक है? उसके हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे थे, थेरापेटिक इफेक्ट्स देखे थे, उसके डेंजर्स, उसके प्रिकॉशन। आज जो है हमने देखना है माइक्रोवेव डायाथर्मी। शॉर्ट वेव डायाथर्मी हम इलेक्ट्रो वन में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट वेव डायाथर्मी में हम जो है ऐसी रेडिएशन यूज होती हैं उसमें, डायाथर्मी में जो हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ डीप हीटिंग, ठीक है? माइक्रोवेव डायाथर्मी, डायाथर्मी का जब जब भी वर्ड यूज होगा दैट मीन्स हीट, ठीक है? हीट से रिलेटेड, हीट प्रोवाइड करना, दैट इज डायाथर्मी। तो माइक्रोवेव डायाथर्मी में भी हीटिंग ऑफ टिश्यूज होगी। ये ऐसी मोडेलिटी है कि ये भी हीटिंग ऑफ टिश्यूज करवाती है। आज हमने देखने कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसका यूनिट कैसा होता है, इसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है पेशेंट पे, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, और फिर इसके थेरापेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। माइक्रोवेव डायथर्मी, द यूज ऑफ माइक्रोवेव फॉर वेरियस थेरापेटिक पर्पजेस। माइक्रोवेव डायथर्मी अब है क्या? माइक्रोवेव डायथर्मी इज द यूज ऑफ माइक्रोवेव्स, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें से जो माइक्रोवेव है उसका यूज थेरेप्यूटिक पर्पजेस के लिए। इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेव लेंथ देन शॉर्ट वेव डायथर्मी। अब शॉर्ट वेव डायथर्मी से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई है और वेव लेंथ शॉर्ट है। ये तो एक हम FSC से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी वेव लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और इनका एक रेसिप्रोकल जो होता है ना रिलेशनशिप होता है, कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई देन वेव लेंथ इज शॉर्टर। और माइक्रोवेव के केस में फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव से भी ज्यादा है, तो फिर वेव लेंथ ऑटोमेटिकली शॉर्ट वेव से कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 300 MHz टू 300 GHz, ठीक है? एंड 1 cm टू 1 m उसकी वेवलेंथ है, यानी कि इसकी शॉर्ट वेव की मेगाहर्ट्ज की रेंज में रहती है फ्रीक्वेंसी, लेकिन माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 MHz से लेकर 300 GHz तक जा रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई है इसकी। ऑल्सो नेम्ड एज शॉर्टर वायरलेस हर्ट्जियन रेज। माइक्रोवेव की जो रेज होती हैं उसको हम हर्ट्जियन रेज भी कहते हैं। अल्टरनेटिवली भी टर्म्ड एज डेसीमेट्रिक रेज, या फिर उसको डेसीमेट्रिक रेज भी कह सकते हैं।
माइक्रोवेव डायथर्मी इज कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसीज इसकी कौन सी हैं? 2456 है, फिर 915 है और 433 मेगाहर्ट्ज है। ये इसकी वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। और साथ साथ इनकी रिस्पेक्टिवली इनकी वेवलेंथ्स भी हैं कि 2456 मेगाहर्ट्ज के साथ आप 12.24 वेवलेंथ यूज करते हो, 915 के साथ 32.79 और 433 के साथ आप 69 सेंटीमीटर की वेवलेंथ अप्लाई करते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। इट रेंजेस बिटवीन इंफ्रारेड एंड शॉर्टवेव डायथर्मी, और ये किसके बीच में लाई कर रहा होता है? माइक्रोवेव का स्पेक्ट्रम बिटवीन शॉर्टवेव एंड इंफ्रारेड। शॉर्टवेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इंफ्रारेड से कम, ठीक है। माइक्रोवेव्स कैन डायरेक्टली पेनिट्रेट इनटू द टिश्यूज टू सम एक्सटेंट एंड कैन बी स्ट्रॉन्गली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर एंड हाई वास्कुलर टिश्यूज। माइक्रोवेव जो है, शॉर्टवेव डायथर्मी डीपर इनटू द टिश्यू चली जाती थी, इसीलिए उसे हम कहते थे कि डीप हीटिंग मोडालिटी है, क्योंकि वो डीप पेनिट्रेशन थी उसकी। माइक्रोवेव जो है ये टिश्यू में सम एक्सटेंट तक पेनिट्रेट करती है, ठीक है। और इंफ्रारेड जो है वो बिल्कुल सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी होती है, वो डीपली पेनिट्रेट नहीं करती। तो माइक्रोवेव सेंटर में लाई कर रही है। अच्छा, कि हमने बहुत ज्यादा डीप हीटिंग भी नहीं लेनी और बिल्कुल सुपरफिशियल हीटिंग भी नहीं लेनी, तो माइक्रोवेव थर्मी का यूज जो है अप्रोप्रिएट होता है। और ये उस जगह पे इसकी एब्जॉर्बिंग अच्छी होती है माइक्रोवेव रेडिएशन की, जो जगह या जो टिश्यूज जो है वो वाटर, उनमें कंटेंट ज्यादा हो वाटर का। जैसे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जैसे किडनीज हैं कि जिनकी वैस्कुलैरिटी ज्यादा है, जिनमें ब्लड सप्लाई ज्यादा है, वाटर का कंटेंट ज्यादा है, वहां पे माइक्रोवेव के एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होती है। ये होता है माइक्रोवेव डायथर्मी का यूनिट, ठीक है। इसका अपरेटस है, इस तरह होता है, और ये ऊपर जो आप देख सकते हैं ये इसका एप्लीकेटर कहते हैं इसको, या इमिटर कहते हैं, जो भी कहना है इसको, ये इसका प्रोब होता है। प्रोडक्शन किस तरह होती है माइक्रोवेव की? अपरेटस इज कनेक्टेड टू मेन एसी, ठीक है। आपने उसको पहले डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है थ्रू द सोर्स ऑफ करंट से। इट प्रोवाइड्स इट अ करंट ऑफ 50 हर्ट्ज एंड अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स। ये आपका एसी में अल्टरनेटिंग करंट में यही आ रहा होता है, आपके जनरल घरों में या वार्ड्स में यही आपके एसी की वोल्टेज है। नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस माइक्रोवेव विद मैकेनिकल मीन्स, कोई मैकेनिकल मीन्स नहीं है इसके, आपको इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करनी पड़ेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स। अ स्पेशल टाइप ऑफ थर्मियोनिक वॉल्व इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड एज मैग्नीट्रॉन। अब इसमें क्या होता है, इसके अपरेटस के अंदर एक स्पेशल टाइप का वॉल्व होता है जिसका नेम उन्होंने रख दिया मैग्नीट्रॉन। ये मैग्नीट्रॉन जो वॉल्व है बेसिकली ये यूज होता है आपकी माइक्रोवेव्स की प्रोडक्शन के लिए। अब इसका फंक्शन क्या होता है मैग्नीट्रॉन का? दैट प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैग्नीट्रॉन इज टू प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी करंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है। आपको चाहिए होता है हाई फ्रीक्वेंसी करंट चाहिए होता है मैग्नेट्रॉन को, वो प्रोवाइड करता है हाई फ्रीक्वेंसी करंट, और हाई फ्रीक्वेंसी करंट से ही, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं। मैग्नेट्रॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वॉल्व कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रली प्लेस्ड कैथोड एंड अ सराउंडिंग सर्कुलर मेटल एनोड। बेसिकली ये क्या है, एक वॉल्व है, कैथोड और एनोड से एक वॉल्व बन रहा है, उसको नेम आपने मैग्नेट्रॉन दे दिए क्योंकि वो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे है कि उसका जो सेंट्रली है उसमें कैथोड प्लेस्ड है और सराउंडिंग में सर्कुलर एनोड प्लेस्ड है, ये मैग्नीट्रॉन का स्ट्रक्चर है। कोएक्सियल केबल कैरीज दीज हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स फ्रॉम मैग्नीट्रॉन। अब मैग्नीट्रॉन में जो एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक केबल उन्हें कैरी करती है और वो एमिटर तक ले जाती है और फिर वहां से माइक्रोवेव एमिट होती हैं, ठीक है। तो एक कोएक्सियल केबल है जो इन हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स को कैरी करी है फ्रॉम द मैग्नेट्रॉन और उनको लेके कहाँ तक जा रही है, टिल द एंटीना ऑफ एमिटर। एमिटर वो जो प्रोब है जहां से रेज एमिट होंगी। इट हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इट रिक्वायर्स टाइम टू वार्म अप। अब आपका जो माइक्रोवेव का सेटअप है पूरा, इसका इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है टू वार्म अप। ये जैसे ही आप ऑन करते हो, जिस तरह इंफ्रारेड है या और अपरेटिसेस हैं, उनको जैसे ही आप ऑन करते हो तो वो अपनी रेगुलर जो उसकी हीट होती है उतनी ही प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन माइक्रोवेव के अपरेटर्स को थोड़ा सा टाइम चाहिए, 5 to 10 मिनट्स, मतलब बहुत ज्यादा मैं बता रही हूँ, बल्कि 10 तो ज्यादा है, 5 मिनट्स तक इसको रिक्वायर्ड होते हैं
इनिशियली टू वार्म अप, ठीक है, लेकिन आप 5 to 10 मिनट्स कह सकते हो. सो आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन्ड इमिडिएटली, द ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन, फॉरन गर्म नहीं हो जाता ये. अ स्टैंड बाय स्विच शुड बी प्रोवाइडेड फॉर यूज बिटवीन ट्रीटमेंट, इसीलिए इसका एक स्टैंड बाय स्विच होना चाहिए कि डायरेक्ट आप करंट का आउटपुट जो है उसको डिस्कनेक्ट नहीं करो, बल्कि वो जो स्टैंड बाय स्विच है वहीं से आप ऑन ऑफ कर लें इसको, ठीक है. दिस इनेबल्स द आउटपुट सर्किट टू बी डिस्कनेक्टेड विदाउट कटिंग ऑफ द करंट टू द वॉल्व्स. सो रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग ऑफ वॉल्व्स इज अवॉइडेड. तो जब वो जो कट ऑफ स्विच होगा ना, वो आपको डायरेक्टली कट नहीं करना पड़ेगा, करंट को ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ेगा. आप उसको जो आपने स्टैंड बाय स्विच लगाया होगा उसको यूज कर लेंगे. जब आप उसको ऑफ कर दोगे तो वो जो है अपनी एक रिक्वायर्ड हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो अपरेटस ऑन रहेगा. ऑन रहने से क्या होगा कि वो वर्किंग में रहेगा तो वो बिल्कुल कूल डाउन नहीं हो जाया करेगा. और जैसे ही पेशेंट नेक्स्ट पेशेंट आया या जब आपने उसको यूज करना है, तो वो एक कूल वार्म अप स्टेट में आपके पास होगा. Emitter is also known as director or applicator. वो जो emitter है उसको आप director भी कह सकते हो कि उससे आपने direct करके apply करनी है. उसको applicator भी कह सकते हैं, उसको probe भी कह सकते हैं आप. Emitter consists of antenna and reflector. Antenna क्या होता है? Antenna is mounted in front of a metal reflector. और reflector basically क्या है? Is a metal plate which directs the microwave only in one direction. कि रिफ्लेक्टर है, वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करवाता है ये माइक्रोवेव्स को, सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन में या वो वापस वापसी की उसकी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करवाता. इमिटर्स आर ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स, मेनली सर्कुलर और रेक्टेंगुलर. सर्कुलर इमिटर होते हैं जो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करते हैं, विच आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, जो उनकी शेप बताई हुई है बेसिकली इमिटर्स की, कि सर्कुलर हो सकते हैं तो वो सर्कुलर होगा क्रॉस सेक्शन पे. और जो सर्कुलर होते हैं उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी माइक्रोवेव्स जो हैं वो डेंसर होती हैं इन द पेरिफेरी, साइड्स पे डेंस होंगी, सेंटर में वो कम होंगी. और रेक्टेंगुलर एमिटर जो होता है वो रेक्टेंगुलर ओवल होते हैं, क्रॉस सेक्शन करने पे ओवल शेप होती है उसकी. और ये होता है कि वो सेंटर में जो है वो डेंस होती है माइक्रोवेव्स उसकी, और पेरिफेरी में साइड्स में उसकी जो वेव्स हैं वो लेस डेंस होती हैं. ये इस तरह के होती है. आपको दिखा दिए इन्होंने रेक्टेंगुलर एमिटर, ठीक है, और ये आपको दिखा दिया उन्होंने सर्कुलर एमिटर, ठीक हो गया. इस तरह का ये आपके पास अपरेटस होता है, एक ही होगा. इस पे तो उन्होंने दोनों आपको लगा के दिखाए हुए हैं ना, लेकिन बेसिकली एक अपरेटस के साथ एक ही एमिटर होता है. ये सर्कुलर एमिटर है, ये रेक्टेंगुलर एमिटर है. अब एप्लीकेशन टू द टिश्यूज. In both cases, the rays given off from the emitter diverge. Both cases, कौन से के circular emitter use कर रहे हो आप, या फिर आप rectangular emitter use कर रहे हो, जो भी आप use कर रहे हो, आपका जो rays हैं वो diverge करती हैं, emitter से निकलेंगी, diverge करेंगी. So their density becomes less as the distance from the emitter increases. Radiation की properties होती हैं कि जैसे ही वो diverge करती हैं तो वो less dense हो जाती हैं. जहाँ से वो निकल रही हैं वहाँ ज़्यादा dense हैं. जैसे जैसे वो travel करती जाएंगी, distance cover करेंगी, वो less dense हो जाएंगी. Reduction in the intensity of beam is also caused by absorption of rays. और जो आपकी rays हैं वो absorb हो रही हैं, आपके atmosphere में भी absorb हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी intensity जो है वो reduce हो जाती है. मैम radiation की property एक दफा दोबारा बता दें. बेटा रेडिएशन जो है वो डाइवर्ज करती है ना, कोई भी रेडिएशन हैं, चाहे आपकी साउंड वेव्स हैं, किसी भी तरह की वेव्स हैं, रेडिएशन हैं, लाइट वेव्स हैं, लाइट भी जो है वो डाइवर्ज करती है ना. आपने कभी टॉर्च ऑन किए, जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो वो स्टार्ट से उसकी थोड़ी सी एक डाइवर्जेंस होती है. जैसे जैसे वो आगे ट्रेवल करता है डाइवर्जेंस ज्यादा नहीं हो जाती, उसका जो सर्कल है जो वो कवर कर रहा है वो इंक्रीज हो जाता है. यस मैम, वो उसकी डाइवर्जेंस होती है ना, ठीक है, ओके. Application, the distance between emitter and skin should be 10 to 20 centimeter. क्या अब क्या हो emitter और skin के बीच में, जहाँ पे आपने apply करना है, tissue patient का है, skin है, उसके और emitter के बीच में आपने 10 से 20 centimeter का distance रखना है.
दिस कैन वेरी विद द साइज ऑफ एमिटर. अभी डिस्टेंस वेरी भी कर सकता है, द पार्ट टू बी ट्रीटेड उस पर डिपेंड कर सकता है, कंडीशन ऑफ द पेशेंट और आउटपुट ऑफ द जनरेटर, इन चीजों पे ये डिस्टेंस जो है ये डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है. स्मॉल एरिया होगा तो आप एमिटर को क्लोजर टू द स्किन रख देते हो, 2 to 5 सेंटीमीटर की रेंज के अंदर रख देते हो. आपने टच नहीं करना है एमिटर को स्किन के साथ, ठीक है. यहाँ पे आपने डिस्टेंस कम कर दिया, 2 to 5 सेंटीमीटर कर दिया, बिल्कुल क्लोज कर दिया. एरिया लार्जर है तो आप डिस्टेंस अपना 10 to 20 या 10 to 15 सेंटीमीटर तक भी रख सकते हो, ठीक है. स्मॉल एमिटर्स आर मेड फॉर यूज इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज. अब स्मॉल एमिटर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, स्पेशल डिजाइंड होते हैं ताकि टिश्यू से कॉन्टैक्ट कर सकें. जो लार्ज एमिटर्स होते हैं उनको आप टिश्यू से कॉन्टैक्ट नहीं करवाते, अदरवाइज बर्न कॉज हो सकता है. इसीलिए अगर टिश्यू से कॉन्टैक्ट में रखने हैं एमिटर तो वो स्मॉल एमिटर्स यूज होते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ कैविटीज जो है उसके लिए भी स्मॉल एमिटर्स यूज होते हैं. अच्छा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके अब हम देख लेते हैं कि जी सेम एज दैट ऑफ द शॉर्ट वेव डायथर्मी, क्योंकि ये भी डायथर्मी है, शॉर्ट वेव भी डायथर्मी थी. दोनों का प्रोडक्शन ऑफ हीट जो है बेसिक इफेक्ट यही था कि प्रोडक्शन ऑफ हीट करवा के रिलीफ ऑफ पेन, इंफ्लेमेशन को सबसाइड करना, ठीक है. ये सारे जो शॉर्ट वेव के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे वही इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं. फर्क यहाँ आ रहा है कि माइक्रोवेव इज समवॉट मीडियोकर बिटवीन सुपरफिशियल टू डीप हीट, ठीक है. ये बिल्कुल सुपरफिशियल भी नहीं है, ये 3 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकती है. जो शॉर्ट वेव थी वो उसकी पेनिट्रेशन बहुत डीप होती है, और इंफ्रारेड से ये जो है ना उस ज्यादा डीप है, इंफ्रारेड बिल्कुल सुपरफिशियल होती है. इट डिफर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, वेव्स पेनिट्रेट मोर डीपली देन डू द इंफ्रारेड रेज बट नॉट पास राइट थ्रू द टिश्यूज एज डज द शॉर्ट वेव डायथर्मी. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखें तो इफेक्टिव डेप्थ अपीयर्स टू बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है. 3 सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट कर सकती हैं. So the heating depth is between infrared and short wave diathermy. So heating depth इसकी क्या होगी, infrared और short wave के बीच में होगी. Waves are strongly absorbed by water. Water जो है waves को strongly absorb करता है. So tissue with a high fluid contact are heated most. Microwaves का मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ fluid का content या water का content या blood ज़्यादा है वहाँ पे heating ज़्यादा हो जाएगी. क्यों? क्योंकि microwaves वहाँ पे ज़्यादा absorb होती हैं. Appreciable heating of tissues with good blood supply. जैसे muscles हैं, muscles की blood supply भी अच्छी होती है, तो वहाँ पे जो आपके जो ऐसे effective muscles हैं, working muscles हैं, उनकी अच्छी heating हो जाती है with microwave diathermy. Less heat is produced in those tissues with a low fluid content, जैसा कि fat. Thus, heating of subcutaneous fat, which was a disadvantage of short wave diathermy applied by condenser field method, is avoided. तो फिर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो शॉर्ट वेव डायथर्मी थी उससे सबक्यूटेनियस फैट की हीटिंग भी हो जाती है, ठीक है. तो ये जो हमें सबक्यूटेनियस फैट की हीटिंग नहीं, हमें हमें कोई जो है ना एडवांटेज ही नहीं है सबक्यूटेनियस फैट को हीट करने का टू ट्रीट द पेशेंट. तो इसीलिए वो वाला जो उसका डिसएडवांटेज था वो अवॉइड हो जाता है बाई यूजिंग द माइक्रोवेव डायथर्मी. थेरापेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, अब ट्रोमैटिक लेजन्स की कंडीशंस में आप यूज़ करते हो, इंफ्लेमेटरी कंडीशंस में यूज़ करना है हमने, और क्या करता है, इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई, रिलीफ ऑफ पेन एंड मसल स्पैज. बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के केस में आप यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन द ब्लड सप्लाई ब्रिंग्स मोर वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज टू द एरिया, सो रीइंफोर्स द बॉडीज नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. इसीलिए आप यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के केस में, इंफ्लेमेशन के केस में. फिर सुपरफिशियल टिश्यूज को हीट करने के लिए यूज होता है, हाई फ्लूइड कंटेंट और जहाँ पे हीट प्रोडक्शन होती है. आल्सो फॉर सुपरफिशियल इन्फेक्शन सच एज सेप्टिक फिंगर्स, बॉयल्स, कार्बंकल्स एंड सुपरफिशियल एब्सेसेस. ये जो आपके फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिस तरह फिंगर्स में हो जाते हैं, या बॉयल्स या कार्बंकल्स जो छाले बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, सुपरफिशियली कोई एब्सेस हो, ठीक है, कहीं पस फॉर्मेशन हो जाए तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं. डीजेनरेटिव आर्थ्रोपैथीज में यूज़ किया जाता है, डीजेनरेटिव जो आपकी जॉइंट की डिजीजेज होती हैं, और एंथीजोपैथीज, एंथीजोपैथी कहते हैं बच्चों जो आपका लिगामेंट है या जो टेंडन है वो जब या कोई जॉइंट है जो जब वो बोन से अटैचमेंट में प्रॉब्लम करता है तो वो सारी रिलेटेड डिजीजेज एंथीजियोपैथीज के डेफिनेशन के अंडर आती हैं. व्हेन द लिगामेंट और टेंडन बेसिकली हैज प्रॉब्लम इन अटैचमेंट विद द बोन,
उसकी वजह से जो पेन होगा, जो आपको प्रॉब्लम कॉज होगी, जो डिजीज होगी, वो एंथीजोपैथी में आती है. आर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट्स, इन सब में आप यूज कर सकते हैं माइक्रोवेव ब्रेथवेव. पावर आउटपुट जो है वो यूजुअली 200 वॉट्स होती है. हम बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देते हैं इन द रेंज फ्रॉम 40 to 45 डिग्री सेल्सियस बाय माइक्रोवेव, बाय द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव ब्रायथर्मी. ट्रीटमेंट में बी गिवन डेली और ऑन अल्टरनेट डेज. डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन इज बिटवीन 3 मिलीमीटर to 3 सेंटीमीटर. ठीक है. डेंजर्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारे पास क्या आ रहा है कि बर्न्स हो सकते हैं, आईज के अराउंड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, सर्कुलेटरी डिफेक्ट्स हों जिन पेशेंट को, उनको अप्लाई नहीं करना होता, और अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस. बर्न्स में क्या होता है कि हीट बर्न कॉज हो सकते हैं, पेशेंट की सेंसेशन अगर लॉस हो तो बर्न्स कॉज हो सकते हैं. स्किन ड्राई होनी चाहिए, अगर स्किन वेट है तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी वो सुपरफिशियली और बर्न कॉज हो जाएगा. अवॉइड एडहेसिव टेपिंग, वेट ड्रेसिंग, ओवर हीटिंग ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस. मेटल ऑब्जेक्ट्स को हमेशा रिमूव करके कोई भी मोडालिटी अप्लाई करनी है. आईज के केस में ये है कि ओपेसिटीज ऑफ आई, ऑपरेटर्स ओन आई आर नॉट अनड्यूली एक्सपोज. एक तो आपने पेशेंट के आई आंखों का ख्याल रखना है कि पेशेंट का जो लेंस है वो किसी ओपेक सब्सटेंस या तो कवर कर दें या फिर जो है उसके आईज के एरिया में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें. ठीक है, आईज को ये डैमेज करता है. सेकेंडली, एक जो ऑपरेटर है, जो पर्सन अप्लाई कर रहा है, वो अपनी आईज का भी ख्याल रखे कि वो अनड्यूली, बिकॉज इसके कोई कलर तो होगा नहीं माइक्रोवेव ब्रायथर्मी का, जिस तरह इंफ्रारेड रेडिएशन है तो जब आप मैम, अप्लाई करते हो तो रेड कलर का. जी, अगर आई ग्लासेस लगा लें तब वेव रुक सकती है कि बेटा कौन नहीं? सी वाली ग्लासेस, डिपेंड करता है ना. अगर वो पोलराइज ग्लासेस हैं तो आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आई के एरिया में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है माइक्रोवेव. ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन में. और जो है क्या कहते हैं, व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, कि ऑपरेटर जो है वो खुद अपनी आंखों का भी ख्याल रखे. इंफ्रारेड, आई वाज टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड, कि वो तो रेड कलर की होती है ना, तो आपको फिर भी पता चल जाता है कि अच्छा ये रेडिएशन निकल रही है, इस जगह पे पुट जा रही है. ठीक है, आप उसको देखने से, इंफ्रारेड को भी कहते हैं कि देखने से बंदा अवॉइड करे. ठीक है, और जो माइक्रोवेव डायथर्मी होती है, ये आपको रेडिएशन इसकी किसी कलर में शो नहीं होती, तो इसको भी देखने से ऑपरेटर ने खुद भी अवॉइड करना है कि वो जब एक दफा प्लेस कर देता है पेशेंट के साथ, तो फिर वो तो उसके साइड पे तो बैठे, बिकॉज आपको पेशेंट की सुपरविजन करनी होती है आफ्टर अप्लाइंग एनी मोडालिटी, बट अवॉइड लुकिंग एट द इमिटर. सर्कुलेटरी डिफेक्ट्स होते हैं फिर उन पेशेंट्स में भी अप्लाई नहीं करते, जैसे इस्कीमिया हो किसी पेशेंट को, इस्कीमिक एरियाज पे अप्लाई नहीं करते, हेमरेज है या थ्रोम्बोसिस है, तो कोई भी और किसी भी किस्म का लेजन है, ट्यूमर है, तो आपने अप्लाई नहीं करना. मेलिग्नेंट ग्रोथ्स हैं, कोई कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है, क्योंकि टीबी और कैंसर के केस में हमेशा ग्रेनुलोमा है या फिर मेटास्टाइज कर सकता है कोई भी ट्यूमर हो तो. एक्सरेज हैं, एक्सरे की थेरेपी हुई है पेशेंट की तो भी आपने अप्लाई नहीं करना. हाइपर सेंसिटिव स्किन है या फिर प्रेगनेंसी के केस में भी अप्लाई नहीं करते आप माइक्रोवेव ब्रायथर्मी. टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन में क्या आ जाता है कि सिलेक्टेड इमिटर इज कनेक्टेड टू द मशीन बाय अप्रोप्रिएट केबल एंड पावर इज स्विच्ड ऑन. इमिटर जो आपने सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द एरिया, उसको आपने मशीन से कनेक्ट करना है विद अप्रोप्रिएट केबल, और फिर आपने पावर स्विच ऑन कर देनी है. ऑब्वियसली थोड़ा सा डिले होगा, जो वार्म अप टाइम है देर विल बी सम डिले बिफोर द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड. टेस्ट द अपरेटस फर्स्ट, इंक्रीज द आउटपुट अंटिल द सेंसेशन ऑफ वार्मथ इज एक्सपीरियंस्ड. आपको खुद भी एमिटर से जो है ना थोड़ी सी वार्मथ की सेंसेशन फील होती है आफ्टर सम टाइम, जब तक वो वार्म अप का टाइम ले ले, उसके बाद वहां से हीट की सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाती है. क्लोथिंग मस्ट बी रिमूव्ड, पेशेंट की क्लोथिंग रिमूव कर देनी है. स्किन एग्जामिन्ड, शुड बी ड्राइड स्किन, मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, उसको ड्राई रखना है आपने. सेंसेशन टू हीट और कोल्ड इज टेस्टेड फर्स्ट. पेशेंट मस्ट बी वॉर्न्ड टू अवॉइड एनी मूवमेंट वंस इमिटर हैज बीन अरेंज्ड. एक दफा सेटअप हो जाता है तो पेशेंट से फिर आपने कहना है कि वो अनड्यूली मूव ना करे, ताकि वो जो रेडिएशन का डिस्टेंस है इमिटर का और स्किन का वो डिस्टर्ब ना हो. सर्फेस ऑफ इमिटर इज पैरेलल टू द स्किन एंड एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस. इरेगुलर सर्फेसिस शुड इफ पॉसिबल बी अवॉइड.
अगर कोई बोनी प्रोमिनेंसेस हैं या कोई बोनी एरिया है, कोई इरेगुलर सरफेस है, तो उसको अवॉइड, आप बेटर ये होता है कि माइक्रोवेव वहाँ अप्लाई ना करो अगर कोई और मोडालिटी अप्लाई हो सकती है तो. इरेडिएशन पेशेंट इज रिमाइंडेड ऑफ सेंसेशन टू बी एक्सपेक्टेड. पेशेंट को आपने पहले ही बता देना है कि आपको थोड़ी सी वार्म की सेंसेशन फील होती है. आउटपुट शुड बी इंक्रीज स्लोली, स्लाइट एरिदमा में भी ऑब्जर्व. एरिदमा कहते हैं रेडनिंग ऑफ द स्किन को, तो स्लाइट से एरिदमा आपको ऑब्जर्व होगा. लेकिन अगर एक्सेसिव एरिदमा हो तो फिर आपने अपनी जो भी ट्रीटमेंट होती है उसको स्टॉप कर देना होता है. देर शुड बी नो मार्क रिएक्शन. डोजेज क्या होती है इसकी, 10 to 30 मिनट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. शॉर्टर एक्सपोजर्स बींग यूज इन स्मॉलर एरियाज. अगर एरिया स्मॉल है तो इमिटर भी स्मॉल यूज करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप शॉर्टर एक्सपोजर यूज करते हो, कम टाइम के लिए यूज करते हो. इन एंड इन एक्यूट कंडीशंस में भी आपने शॉर्ट एक्सपोजर यूज करना है. ट्रीटमेंट में भी गिवन डेली और ऑन अल्टरनेट डेज. ठीक है, डेली भी ट्रीट कर सकते हैं और अल्टरनेट डेज पे भी ट्रीट कर सकते हैं. अब हमने जो है माइक्रोवेव की प्रोडक्शन भी देख ली है, इसकी टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन भी देख ली, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी देख लिया और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी देख लिए. साथ साथ हमने इंट्रोस की डोजेज और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी देख ली ऑफ माइक्रोवेव डायथर्मी. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोवेव डायथर्मी का था, ये कंप्लीट हो गया. चलें अब बताएं मुझे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंजेस फ्रॉम 300 megahertz to 300 gigahertz. ठीक हो गया. लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा इसका, ये फोर्थ ऑप्शन है. क्यों? बिकॉज इसकी वेवलेंथ जो है वो 1 centimeter से 1 millimeter में होती है. यहाँ पे है 1 centimeter टू 1 meter. ठीक है, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी आपने सिलेक्ट करना है, बिकॉज की फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ का पूछा हुआ है. यहाँ पे ये सॉरी, वो इसकी पेनिट्रेशन थी, वो पेनिट्रेशन थी जो 3 centimeter से 3 millimeter होती है. जो इसकी वेवलेंथ होती है ना वो 1 centimeter से 1 meter में ही होती है. ठीक है, ये ऑप्शन वन ही है इसका. अ स्पेशल टाइप ऑफ वॉल्व इज यूज इन माइक्रोवेव, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेट्रॉन. डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, अब हम डेप्थ पे आए हैं. हाँ, अब ये डेप्थ जो है आपकी 3 meter, 3 millimeter से 3 meter तक हो सकती है. वैसे 3 meter का ऑप्शन आपने, सेंटीमीटर का ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने. मीटर, मीटर्स में बच्चों वेवलेंथ है. ठीक है, जो वेवलेंथ है ना, जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली चीज है, वेवलेंथ इसकी मीटर्स में है. जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है कि स्किन के अंदर कितना पेनिट्रेट कर सकती है, तो ये आपकी 3 centimeter तक पेनिट्रेट कर सकती है. ठीक है, इन दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं कर देना. चलें, ठीक हो गया. ये आपका आज का लेक्चर था. कुछ चीज क्लियर नहीं हुई तो बताएं. नो मैम, आ गई है. चलिए बच्चों, ठीक है. फिर रिकॉर्डिंग में अपलोड अभी कर देती हूँ, और लेक्चर भी आपके इंशाल्लाह 1-2 days में आपके स्टडी मटेरियल के हेडिंग के अंदर LMS पे अपलोडेड होंगे. ठीक है, ओके मैम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मैम.